हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहन है और आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर बाटा इंडिया के ऊपर। बाटा इंडिया बहुत अच्छी जगह में ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो आने वाले दिनों में आपको ये 10-20% का ट्रेड ईजी दे देगा। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आपको ये स्टॉक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो अभी हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे, फिर थोड़ा इंडिकेटर लगा के देखेंगे कि स्टॉक में हमें क्यों पोजीशन बनाना चाहिए और कैसे पोजीशन बनाना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकता है। तो अगर आप कैश में ट्रेड लेते हैं, कैश में पोजीशन बना के जाते हैं, ठीक है, अगर आप जॉब में हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, अगर आप इसमें कैश में पोजीशन बना के जाते हैं तो भी आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देके जा सकता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, मतलब आप ऑप्शन में बाइंग करके जाते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे, इंट्राडे नहीं, ठीक है। ये 2-4 दिन का ट्रेड नहीं है, एटलीस्ट 15-20 दिन का पोजिशन इसमें होल्ड करना पड़ेगा मिनिमम, राइट। तो अगर आप इसमें ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है, स्टॉक में ऑप्शन सेल का पोजीशन बनाते हैं, तो भी आपको अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है, मतलब बाइंग में भी अपॉर्चुनिटी है, सेल में भी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप इसमें हेज का पोजीशन बनाना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा क्यों बनाना चाहिए। थोड़ा ऑप्शन चेन में एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल के साथ, प्राइस एक्शन के साथ, इंडिकेटर के साथ, थोड़ा ऑप्शन चेन का भी यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे लोग इसमें पोजीशन कैसे बना रहे हैं और हमें इसमें क्यों पोजीशन बनाना चाहिए। अभी जो चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये डेली चार्ट है, फिर थोड़ा वीकली में देखेंगे, इसके बाद मंथली चार्ट में देखेंगे इसका ओवरऑल प्राइस एक्शन पैटर्न कैसे बन रहा है, ये स्टॉक ट्रेड कैसे कर रहा है, ठीक है, छोटे चार्ट से लेके बड़े चार्ट में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, इसमें आपको लर्निंग बहुत कुछ मिलेगा। पैसा कितना कमाओगे वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इसमें लर्निंग बहुत मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी देश में जैसे देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड में देख रहे होंगे कि नया वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन, और जब से ओमिक्रॉन का न्यूज आया है, निफ्टी बैंक निफ्टी नए हाई की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, मतलब एक ओमिक्रॉन आया, उससे पहले करेक्शन दे दिया, अब मार्केट वहां से उछाल आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक जो अपने सेक्टर का लीडर स्टॉक है, वो अगर एक करेक्शन दे चुका है तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप इस स्टॉक में, बाटा में पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में है, ओके, तो इस स्टॉक को मैं अभी यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। थोड़ा मैंने ऐड ऑलरेडी इस भाव के आसपास किया है, ब्रेकआउट में मैंने फिर से ऐड करूँगा, ओके, ये मैंने सोच के रखा हुआ है और मैं इसका देखूँगा मिनिमम भाव इधर मिलना चाहिए आने वाले दिनों में, ओके। तो अगर आप इसका एक प्राइस सेक्शन पैटर्न समझे दोस्तों, तो कोविड से पहले का एक लेवल है ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये है 1890 के आसपास, राइट, 1890 के आसपास कोविड से पहले का हाई था और इसी भाव पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ओके। तो अगर आप देखें, मैं थोड़ा और इसे आपको समझाना चाहूँगा, लास्ट इसका जो लो था मई के आसपास, तो मई के आसपास से 1260 के आसपास का लो था, यहाँ से अपने निवेशकों को ये स्टॉक रिटर्न दिया लगभग 80% के आसपास तक का, 80% का रिटर्न लास्ट लो से अभी तक इस हाई तक इसका है, यहाँ से लेके यहाँ तक 80% का रिटर्न। करेंट में अगर किसी ने होल्ड करके रखा होगा तो कितने पोजीशन में ओपन होगा, मतलब उसका लगभग 40% आसपास में होगा, सॉरी 47% आसपास में होगा, राइट। तो अगर कोई लो में लिया होगा तो उसे इतना परसेंट अभी रिटर्न मिल रहा है, राइट, ये चार्ट वाइज हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, लेकिन आप इस लॉजिक को कैसे आप समझें, इसे पहले समझने के लिए आप, ये टॉप था, अगर आप देखें तो 2021 का ये टॉप था, कहाँ पर बना था, इसी भाव के आसपास, मतलब जब नया साल स्टार्ट हुआ उसी समय बना था टॉप, राइट। टॉप से स्टॉक कितना गिरा, पहले लॉजिक समझिए, टॉप से स्टॉक कितना गिरा नीचे, टॉप से गिरा एटलीस्ट 24% नीचे। मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, यूट्यूब में लाइव आया था, तब मैंने बताया था कि जब आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई स्टॉक हो, अगर आप उसे ऐड करना चाहते हैं, पिरामिडिंग करना चाहते हैं, तो कब कब पिरामिडिंग करना चाहिए, जब कोई बड़ा स्टॉक, कोई हैवी स्टॉक, कोई लीडिंग स्टॉक अगर टॉप से नीचे गिरा होता है, ठीक है,
जो अपने सेक्टर को लीड करता है, जैसे रिलायंस है या भारतीय टेल है या बजाज है या फिर HDFC है या फिर TCS या इंफोसिस है, ये सारे स्टॉक जो बड़े स्टॉक है। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया यूट्यूब में, हिट द लाइक बटन, जितने लोगों ने भी उस वीडियो को देखा होगा, तो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए, यूट्यूब लाइव वाले में मिल जाएगा, या फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। राइट फ्रेंड्स, अब आप यहाँ समझिए, देखिए कि ये कितना गिरा, लगभग 25% आसपास गिरा टॉप से, ओके। और टॉप और बॉटम से कितना रिटर्न दे दिया, बॉटम से रिटर्न टॉप तक 80% का रिटर्न दे दिया। अभी टॉप से कितना गिरा, टॉप से स्टॉक लोअर साइड कितना गिरा, माफ करना ये फिबोनाची लगा दिया मैं, आप यहां देखिए टॉप से स्टॉक कितना गिरा, ऑलमोस्ट 21% का। तो फिगर में देखें तो ऑलमोस्ट 20-24-25% के आसपास का गिरावट, 21% का गिरावट यहां पर आया है। थोड़ा बहुत और भी आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये स्टॉक आपको रिटर्न देने के लिए तैयार है, ओके। थोड़ा बहुत नीचे भी आए चले, हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे आ जाए, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां तक भी आ सकता है, बट यहीं से निकल जाए तो क्या करें, निकलना चाहिए, क्यों निकलना चाहिए, इसी के ऊपर तो भी एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छे से समझिए, मैं आराम से आप लोगों को बताता हूं। देखिए टॉप से नीचे गिरा, क्या हुआ, यहां पर ओवरसोल्ड हुआ, डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ और मार्केट कहां तक गया, टॉप तक गया, ठीक है। टॉप से एक यहां बढ़िया पैटर्न बना, कप विथ हैंडल टाइप का पैटर्न बना, फिर से यहां ब्रेकआउट आया, ये प्राइस सेक्शन चल रहा है, ओके। जब ऊपर जा रहा था तो RSI अपने बढ़िया जगह में था, वापस आया नीचे, जैसे मैं बताया हूं आप लोगों को कि दोबारा वो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, डाइवर्जेंस क्रिएट होगा। ऐसे कंडीशन में डाइवर्जेंस क्रिएट करता है तो जिन लोग यहां पर शॉर्ट टर्म में ट्रेडर जो होते हैं, जैसे यहां से भी आप ट्रेड लेके जाओगे यहां तक, ओके, तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर कहलाओगे, ओके। तो क्या होता है, यहां पर लोग अपना पोजीशन बुक करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है, या कई लोग यहां पर शॉर्ट का पोजीशन बनाते हैं जो टेक्निकल चार्ट फॉलो करते हैं, ओके। तो यहां से मार्केट फर्स्ट पुल बैक आया, तो फर्स्ट पुल बैक में जैसे मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूं कि फर्स्ट पुल बैक में कभी बाई करो मत, वापस रिटर्न आएगा, यहां पर कोई डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनेगा, और दुनिया में कोई चार्ट समझ में नहीं आया ना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब दुनिया में आपको कोई चार्ट समझ नहीं आए, जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार रहे, ओके, तो आप क्या एक उजाला देखो, वो क्या दिखता है, ऐसा वाला इनसाइड पैटर्न दिखता है, ये थोड़ा बड़े चार्ट में दिखता है, किसमें दिखता है, वीकली या मंथली चार्ट में। अभी इस वीडियो को यहाँ पॉज कर लो, इसके बाद चले जाओ निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखो ऐसे पैटर्न बना और मार्केट कितना बढ़िया शानदार ऊपर मूवमेंट किया, और इसलिए मैंने बताया था कि या तो स्टॉक इनसाइड पैटर्न बनेगा ऐसा वाला, ठीक है, जब कोई चार्ट समझ में नहीं आए तो ऐसे इनसाइड वाला पैटर्न देख लो, या फिर आप ऊपर में क्या देखो, ऊपर में M पैटर्न देखो, ऊपर से नीचे गिरता है और नीचे से W पैटर्न बनता है, ऊपर जाता है, जब ये भी समझ में नहीं आए तो आपको ये चार्ट देखना चाहिए, फिर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, चार्ट एकदम डिट्टो समझ आएगा, मतलब बिल्कुल क्लियर कट समझ आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी जैसा। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी SBI बजाज फाइनेंस इसका चार्ट देख लो, इसके बाद इधर आओ, ओके, बहुत बेहतरीन रिटर्न आपको उसमें देखने को मिला होगा, मूवमेंट देखने को मिला होगा, ओके। ट्रेड लिए होंगे तो उनको रिटर्न मिला होगा, नहीं तो बाहर वालों को तो क्या मिलेगा, वही है ना, कोशिश करने वाले को क्या मिलेगा, मुकाम मिलेगा, इंतजार करने वाले को वही मिलेगा जो कोशिश करने वाले बोलो छोड़ देते हैं, राइट। तो चलिए देखिए अभी यहां पर क्या होने वाला है, ये स्टॉक टॉप से नीचे गिरा, ठीक है, एक बाउंस आया इसमें, फिर नीचे आया, ये आना चाहिए, फिर यहां से W पैटर्न बना, ब्रेकआउट इसी में कंटिन्यू हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, ओके, वापस आया, बॉटम के पास आया, अगर ये नीचे चले जाता तो ये फॉल हो जाता, मतलब यहां से इसमें शॉर्ट का ट्रेड बनता, लेकिन यहां से क्या हुआ, बाउंस आया, और आप देखेंगे यहां तो अच्छे वॉल्यूम के साथ भी बाइंग इसमें आया होगा, ओके। मैं थोड़ा वॉल्यूम चार्ट आपको यहां पर दिखा देता हूं, समझिए ये वॉल्यूम वाइज एनालिसिस है, यहां पर मैं इसे ओपन करता हूं, तो देखिए अच्छे वॉल्यूम में दो दिन से बाइंग आया है, मतलब यहां से ब्रेकआउट हो सकता है। अगर आप यहां देखें तो सेलिंग वाला जो वॉल्यूम कैंडल है वो बहुत कम है, यहां पर जो वॉल्यूम अच्छा आया है वो किस में आया है, बाइंग वॉल्यूम आया है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर एक्युमुलेट हो रहा है, स्मार्ट मनी यहां पर इंटर कर रहा है, लोगों का पोजीशन यहां पर बन रहा है, ये आपको समझना चाहिए, राइट। ब्रेकआउट आएगा आपको अच्छा ट्रेड देके जाएगा, इसका जो कंफर्म ब्रेकआउट आएगा अगर प्राइस चार्ट में समझें, कंफर्म ब्रेकआउट आएगा 1890 के ऊपर,
प्राइस जैसे 1890 के ऊपर क्लोज करता है या जिस दिन ब्रेकआउट करे उसी दिन पोजीशन बनाना चाहिए। हो सकता है उसी दिन 5% चले जाए, फिर आपको चांस ही नहीं मिलेगा। तो जिस दिन 1890 के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट करता है उस दिन आपको इसमें बाई का पोजीशन बनाना चाहिए, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस इसी लो के आसपास कहीं होना चाहिए, 1800 के बिलो का, ठीक है। आप इसमें एटलीस्ट 1% का बफर जरूर रखिए, 1% का बफर जरूर रखिए इसमें लोअर साइड में, ओके। हो सकता है कैंडल एक आध दिन नीचे आ जाए, नीचे आएगा और यहीं से टेस्ट करके वापस चले जाए, जैसे यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, मोस्टली ऐसी होता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आप बिल्कुल पिन पॉइंट रखेंगे तो आपका कट जाएगा, तो 1% का बफर यहाँ जरूर रख लीजिए। नीचे आएगा, मे बी आ जाए, इसके बाद टेस्ट ले और फिर वापस निकल जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपको धोखा हो सकता है, ओके। स्विंग ट्रेडर को इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो बाई लेवल यहाँ क्या बन रहा है, बाई लेवल बन रहा है 1890 के ऊपर, ठीक है, जैसे ब्रेकआउट आता है बाइंग करके जाएं, राइट। और 1800 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखें, ठीक है, एक कैश वालों के लिए, ठीक है, कैश वालों के लिए। मतलब अगर आप फ्यूचर में पोजीशन बनाएंगे, ऑप्शन में पोजीशन बनाएंगे, तब भी यही लेवल रहेगा, लेकिन आपका तरीका अलग रहेगा, मतलब ट्रेड बनाने का, ओके। मतलब अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा, आप डोंट वरी, वेट करिए, राइट। तो दोस्तों अगर आप यहाँ देखें तो क्या दिख रहा है, ये डेली चार्ट में दिख रहा है। मैं थोड़ा सा आपको वीकली चार्ट में लेके चलता हूँ, और वीकली चार्ट में हम यहाँ कंसिडर करें, इससे पहले आपको थोड़ा पीछे जाना चाहिए, मतलब पीछे का चार्ट देखना चाहिए, कि जो मैं लॉजिक बताने वाला हूँ आपको, इसे देखिए। मैं कह रहा हूँ जब दुनिया में अंधेरा छा जाए तो आपको ये चार्ट दिखना चाहिए, इसके बाद ज़्यादा सोचिए मत। और बताऊँ, ट्रेड को ना इजी करना चाहिए, ट्रेड को क्या करना चाहिए, सिंपल करना चाहिए। आप जितना सिंपल कर पाएंगे उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस आएगा और बिलीफ बढ़ेगा, राइट। अगर पता चले वहाँ पर बहुत सारे चार्ट लगा दिए, कभी इसको देख लीजिए, कभी उसको देख लीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, अगर एक आध बार लॉस हो गया तो, ओके। यहाँ देखिए कितना बेहतरीन ट्रेड है इन साइड में, राइट। कोविड से पहले इधर इन साइड बना, कितना अच्छा ट्रेड है लोअर साइड में। ये ट्रेड मिला नहीं मिला छोड़ो, ठीक है, कोई कर पाए नहीं कर पाए हमें छोड़िए, हमें क्या देखना है कि ट्रेड बना या नहीं बना, ओके। ऐसी निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी देखिए, यहाँ इन साइड पैटर्न देखो कितना अच्छा शानदार ट्रेड है, राइट। इसके बाद ये इन साइड रहा और कितना अच्छा ट्रेड है अपर साइड में। तो अभी ऑलमोस्ट एकदम परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये जो कैंडल है, ये कैंडल बहुत अच्छा है, ये वीकली कैंडल है, राइट, ये कैंडल बहुत अच्छा है। तो अगर यहाँ से निकल जाता है तो क्या हो जाएगा, ये हैमर कैंडल हो जाएगा। आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस में मेरा वीडियो देखा होगा कि वन ऑफ द बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बाइंग के लिए क्या है, इस टाइप का हैमर कैंडल बन जाए। वन ऑफ द बेस्ट कैंडल शॉर्ट के लिए शूटिंग स्टार बन जाए टॉप में, इस तरीके का, तो आप इसमें पोजिशन बनाइए, ओके। तो इस टाइप का एक पैटर्न बन रहा है, और जो बहुत बेहतरीन पैटर्न बन रहा है। तो ब्रेकआउट पॉइंट क्या है, सेम है 1890 के ऊपर, ओके। तो आप इसमें इस टाइप का पैटर्न देख लिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ओके। अब दोस्तों यहां इसका देखिए मंथली चार्ट में, चूंकि मंथ अभी स्टार्ट हुआ है और पिछले मंथ के लो से ही ऑलमोस्ट, अगर आप इसे देखें तो इस मंथ का, ये कौन सा मंथ होगा, अक्टूबर का, अक्टूबर के मंथ के लो से ही ऑलमोस्ट ये ऊपर गया है, राइट। मतलब अक्टूबर के मंथ के लो को सपोर्ट बनाए हैं, और ये शायद सितंबर का होगा ना, ये अगस्त का है, माफ करना, ये अगस्त के मंथ का हाई को, ठीक है, और सितंबर के मंथ के क्लोजिंग को ऑलमोस्ट ये सपोर्ट बना के वापस निकला है। तो चार्ट वाइज लोअर साइड में क्या दिखा रहा है कि अगस्त का मंथ, ठीक है, अगस्त का मंथ, सितंबर का मंथ, अक्टूबर का मंथ, ठीक है, नवंबर का मंथ, ये सबका लो पॉइंट को ये सपोर्ट बना रहा है, ओके। और फिर ये जनवरी में ऊपर निकल रहा है, तो मे भी इसी मंथ में ऊपर निकल जाए। अब मंथ में चार वीक है, हो सकता है ये वीक आपको ट्रेड दे दे, अगले वीक 10% चले जाए, फिर 10% नीचे आ जाए, तो ये अपॉर्चुनिटी को हम क्यों छोड़ें। तो यहाँ पर हमें जगह बहुत अच्छा है कि लोअर साइड से बाउंस आ रहा है, बाई आ रहा है, राइट। तो आप इसे मंथली चार्ट में समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसका डेली चार्ट में फिर लेके चलूंगा, और एक यहाँ पर मैं EMA चार्ट लगा देता हूँ। फ्रेंड्स ये 20 EMA है, ठीक है, ये 50 EMA है, और ये 100 EMA है, और ये 200 EMA है। 200 EMA जैसे आप टेक्निकल चार्ट में मेरा सीरीज का देखिए, शुरुआत में टेक्निकल ऐसे सीरीज को देखिए आप, 200 EMA जो होता है दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल होता है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में बहुत स्ट्रांग लेवल होता है। इसी ऑलमोस्ट लेवल के आसपास से मार्केट रिटर्न करता है, कम से कम एक बाउंस तो यहाँ से मिलना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक का बाउंस तो आना चाहिए, ओके। चूंकि 200 के आसपास से ये
टेस्ट करके, लगभग टेस्ट तो कंप्लीट नहीं किया है, मे भी आने वाले दिनों में कर जाए वो अलग मैटर है, बट यहीं से बाउंस मुझे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर एक्युमुलेशन हो गया है, अगर होना होता टेस्ट होना होता तो यहाँ तक आके टेस्ट करके चले जाता, मुझे लगता है इसी लेवल से वो निकल जाएगा। तो ईएमए में अभी कहा 100 और 200 ईएमए के बीच में फंसा हुआ है, ये ऊपर जाने की तैयारी कर लिया है, राइट। तो फ्रेंड्स इसे मैं हाइड करता हूँ, ओके। तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा कि ये स्टॉक वीकली, मंथली और डेली में ब्रेकआउट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो अगर आपको कैश में बाई करना है तो आपको बाई का पोजीशन बनना चाहिए 1890 के ऊपर, अगेन रिपीट करता हूं मैं, 1800 के बिलो का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 1% का बफर रखिए। आपका टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट होना चाहिए इस हाई का, ये हाई क्या है मतलब 2050 का, यहाँ से 10% का टारगेट आपको फर्स्ट टारगेट मिलना चाहिए। यहाँ पर आपको 50% प्रॉफिट बुकिंग करके, 50% प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पर मार्केट थोड़ा हॉल्ट होगा, और जैसा चार्ट हम रीड कर रहे हैं ऐसा ही चार्ट बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप, ओके, इसे नोट करके रखिएगा। तो इस भाव के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, राइट, या फिर यहाँ पर कंसोलिडेट होगा या थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर इस लेवल में सपोर्ट लेके वापस निकलेगा। तो अगला टारगेट जो बनना चाहिए वो 2250 से लेके 2300 का हमारा टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर जो स्विंग ट्रेडर हैं आप अपना ट्रेड क्लोज करिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आना चाहिए, फिर कोई कंसोलिडेट करेगा, इसके बाद फिर उसमें ब्रेकआउट आएगा, तो हमारा टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। तो ये हुआ कैश वालों के लिए जो कैश में ट्रेड लेके जाना चाहेंगे। अब हम आते हैं उन प्रेमियों के लिए जिन लोग ऑप्शन में ट्रेड करना चाहेंगे, उसमें से मैं भी हूँ, मैं भी बहुत बड़ा ऑप्शन प्रेमी हूँ, मुझे ऑप्शन में ट्रेड करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हालांकि मैं थोड़ा सा शॉर्ट की तरफ ज़्यादा पसंद करता हूँ, राइट। चलिए, तो कुछ लॉजिक आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर। मैं ऑप्शन चार्ट में आ गया हूँ बाटा इंडिया का, ठीक है, ये बाटा इंडिया का ऑप्शन चयन है, और अभी हम इसमें कुछ एनालिसिस करेंगे। देखिए, अभी करेंटली जो ट्रेड कर रहा है स्टॉक इस आसपास में ट्रेड कर रहा है, राइट, ये एटीएम प्राइस है, ओके। तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना चाहिए दोस्तों, कि यहाँ पर कोई बंदा शॉर्ट का पोजीशन बनाया है 2000 के लेवल में, कितना 16 लॉट उसने शॉर्ट किया है, कोई तो है जो शॉर्ट का पोजीशन बनाया है, राइट। और आप ध्यान रखिएगा कि सेम क्वांटिटी इधर भी किसी का पुट में शॉर्ट का पोजीशन ओपन है, कौन सा लेवल है 1820 का। इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई बंदा यहाँ पर एक शॉर्ट का पोजीशन बना रहा है, पी सेल कर रहा है, यहाँ पर पी सेल कर रहा है, और लोअर साइड में यहाँ या फिर कहीं यहाँ 1800 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसमें राइटिंग है, तो लोअर साइड में 1800 का लेवल इसका सपोर्ट दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई बंदा यहाँ पर बाई का पोजीशन बना रहा है, मतलब इसे शॉर्ट कर रहा है, पुट शॉर्ट, उसका व्यू बुलिश है, पुट ऊपर में शॉर्ट कर रहा है, नीचे में वो बाइंग का कहीं पोजीशन बना रहा है। हालांकि यहाँ पर जो डेटा दिखता है हमें सब शॉर्ट का डेटा दिखता है, सेल डेटा दिखता है, ठीक है। तो ऐसा एक पोजीशन इधर बन रहा है, ओके। अब हम इधर आते हैं कॉल की तरफ, यहाँ पर हाइएस्ट राइटिंग है 1900 पे, जो इसका नेक्स्ट रजिस्टेंस लेवल होगा, यहाँ पर 336 लॉट शॉर्ट है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ये शॉर्ट का पोजीशन है, बिल्कुल शॉर्ट का पोजीशन है, आप ठीक समझ रहे हैं, लेकिन इसके सामने कोई बंदा फ्यूचर बाई कर लिया होगा, क्या किया होगा, फ्यूचर बाई किया होगा और इसे सेल कर दिया होगा, 1900 का ऑप्शन को सेल किया होगा। अभी मैं इसका लॉजिक बताऊंगा, इसका पोजीशन क्या बन रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइप का पोजीशन हो सकता है, ओके। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक अच्छा पोजीशन क्रिएट हो रहा है, अगर हम इसका इस टाइप का एनालिसिस करते हैं, चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, अगर कोई इस टाइप का पोजीशन बना रहा है तो उसका क्या लॉस हो रहा होगा, क्या उसका रिस्क रिवॉर्ड होने वाला होगा, इसके ऊपर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको लेके चलता हूँ सेंसिबल के चार्ट में। इसमें क्या होता है कि हम इजी तरीके से जल्दी से ऑप्शन को समझ लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम अगर मैं 1x1 कैलकुलेशन करूँगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ओके। तो अब आइए ऑप्शन वालों के लिए जो पहला लॉजिक मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। पहला लॉजिक ध्यान रखिएगा, देखिए जिन लोग ऑप्शन नए हैं, जो नए ट्रेड कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए
ऑप्शन का एबीसीडी का पूरा सीरीज है, वो पूरा सीरीज देख लीजिए, आपका कंप्लीट लर्निंग हो जाएगा ऑप्शन में। ओके, मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सरल भाषा में बताया है, आप उसे समझिए। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पर किसी बंदे ने शॉर्ट का पोजिशन बनाया है पुट में, और इधर कहीं उसने बाई का पोजिशन बना रहा है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि सबसे ज़्यादा राइटिंग हुआ है, तो राइटिंग हुआ तो कोई ना कोई तो बाई किया है। ओके, तो यहाँ पर बाइंग का पोजीशन बन रहा है, हो सकता है कोई यहाँ शॉर्ट किया होगा और इधर भी बाइंग का पोजीशन बना रहा होगा, मतलब दोनों ही कंडीशन में वो बुलिश है। ओके, मतलब अगर लोअर साइड में शॉर्ट हो रहा है तो ऊपर की तरफ एक बुलिश पैटर्न बन रहा है। इसका जो रजिस्टेंस दिख रहा है, ये रजिस्टेंस यहीं दिख रहा है, राइट। मतलब इसका जो रजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, वो 1900 ब्रेकआउट होते ही इसमें बहुत बड़ा मोमेंट आपको दिखने वाला है। तो अगर कोई इस टाइप का पोजीशन बना रहा है तो उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या होने वाला होगा, क्योंकि जब तक उसे बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा वो पोजीशन नहीं बनाएगा, राइट। तो मान लो किसी बंदे ने यहाँ पर शॉर्ट का पोजीशन बनाया और यहाँ कहीं ऑप्शन को बाई कर रहा होगा, लोअर साइड में किसी ऑप्शन को बाई कर रहा हो अपने पोजिशन को हेज करने के लिए, राइट। तो अगर मैं इस पोजिशन को शॉर्ट करता हूँ, सॉरी बाई करता हूँ पुट को, 1800 का पुट को, तो रिस्क रिवॉर्ड क्या हो रहा है, ध्यान रखें, देखिए लगभग 1:2 ही बन रहा है। ओके, तो मुझे लगता है इस रिवॉर्ड के लिए पोजीशन नहीं बन रहा होगा। ओके, यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना लग रहा है, ध्यान देखिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट लग रहा है 1.7 लाख आसपास का, मतलब लगभग 1.25 लाख है, तो आपका पोजीशन बन जाएगा। यहाँ पर जो पोजीशन की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस प्रॉफिट की नहीं, इसमें भले 1 रुपया प्रॉफिट आएगा तो भी इसकी प्रोबेबिलिटी कितना कहलाएगा, 52% का। ओके, तो ये पोजीशन यहाँ पर शायद नहीं बन रहा होगा। जो बन रहा है वो पोजीशन मुझे लगता है इधर कहीं बन रहा है, इधर। तो इधर क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 के आसपास बन रहा है। तो कोई सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, 1840 का ऑप्शन को बाई कर रहा है, राइट, और ये 2000 का कॉल को शॉर्ट कर रहा है। ओके, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा दिख रहा है। हालांकि परसेंटेज वाइज में प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम जरूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अच्छा, ये पोजीशन बनाने से क्या फायदा होता है, ध्यान रखिएगा कि आप बिल्कुल एटीएम में हो, राइट। इसका मतलब कि अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं भी आता है तो क्या होगा, आपको इन द मंथ बहुत कम लॉस होगा। मतलब मार्केट अगर इसी जगह में रह जाता है, कोई मूवमेंट नहीं आता है, तो आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन मैक्स जो लॉस होगा वो केवल 22,800 का लॉस होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट इससे ज्यादा नहीं होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। आप इसी स्ट्राइक प्राइस को नोट कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चलेगा आपके फेवर के हिसाब से। आप इसे न करके आप इसे भी बना सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड और भी अच्छा जच जाएगा, ठीक है, 1:4 के हिसाब से जच जाएगा। तो लोग इस टाइप का यहाँ पर पोजिशन बना रहे हैं, राइट। तो इसे आप ध्यान रखिए, ऐसे पोजीशन आप बना सकते हैं, आप इसे ही बना सकते हैं, इसे बना लें, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई इतना मुझे प्रॉफिट मिलेगा और इतना मुझे लॉस मिलेगा। अगर ये पोजीशन बना रहे तो बीच में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार जब मैं लाइव में रहता हूँ, मेरे साथ स्टूडेंट लाइव में रहते हैं, उन लोगों के अंदर, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ, ये लॉस होने लगता है तो डरते हैं। मान लो इसमें 5,000 लॉस हो गया, सर कैसे करें। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, भाई इसमें मैक्स लॉस है आपका, डरने की जरूरत ही नहीं है, बिंदास पड़े रहो, या तो चला जाएगा, एक बार दो बार पोजिशन बनाओगे, हो सकता है दो बार लगातार चले जाए, तीसरे बार में बड़ा प्रॉफिट देगा। मतलब ये पोजिशन बना दो, अगर 3 ट्रेड मेरा लॉस हो जाता है, 1 ट्रेड भी आएगा तो मैं क्या हो जाऊँगा, M2M मतलब पॉजिटिव में आ जाऊँगा, लॉस रहेगा नहीं, राइट। तो आप एक स्ट्रेटजी को कंटिन्यू फॉलो करिए, जिसको भी कर रहे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा अगर किसी को लेना है तो, लेकिन आपका अपना रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, तो एक पोजीशन ऐसा ही बन सकता है। दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है फ्रेंड्स, कि आप एटीएम कॉल को बाई करो और ओटीएम कॉल को किसी को शॉर्ट कर दो, ठीक है। हाँ, इसमें प्रॉफिट कम मिलेगा, थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि इसमें लॉस का साइज कम होगा और कैपिटल बहुत कम लगेगा, 60,000 के आसपास का कैपिटल लगेगा। ओके, आप इसे चेंज भी कर सकते हो, थोड़ा ऊपर भी जा सकते हो, इधर भी आप शॉर्ट का पोजीशन बना के जा सकते हो, तो थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का बीच का चेंज बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन क्या होता जाएगा, एक अभी कम हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में इसे ज़्यादा डिफेंड ना करें, राइट। ऐसा पोजीशन बना सकते हैं, इसे बुल कॉल स्पीड बोलते हैं। ओके, या फिर एक पोजीशन और बना सकते हैं, लेकिन इसे समझिए, यहाँ पर फ्यूचर बाई करिए और फ्यूचर बाई करके आप एटीएम के आसपास का कॉल को सेल कर दीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान रखिएगा,
इसमें 36,000 का प्रॉफिट हो रहा है और अनलिमिटेड लॉस है। लॉस क्या है? अनलिमिटेड लॉस है। कैपिटल कितना है? 2,41,000। ये बहुत हाईली रिस्क होता है, इसे कवर्ड कॉल कहते हैं। जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा पैसा होता है लोग इसे बनाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, कवर्ड कॉल, राइट। बड़े पैसे वालों का गेम है। और मुझे लगता है जिनके पास कैपिटल कम है, आप 36,000 प्रॉफिट के लिए अनलिमिटेड लॉस क्यों, व्हाई? तो मुझे लगता है ये नहीं बनाना चाहिए। जो मैं फर्स्ट आप लोगों को बताया कि ये वाला पोजीशन हमें चूज करना चाहिए, इधर का किसी ऑप्शन को बाई करके इस ऑप्शन को सेल का पोजीशन बनाना चाहिए, ठीक है। ऐसा पोजीशन आप बना के जा सकते हैं, इधर आपको बाई करना चाहिए, राइट। अब उन दोस्तों के लिए जिन लोग बहुत रिस्क लेते हैं, हाईली रिस्की ट्रेडर होते हैं, ठीक है, उनका आर या पार वाले होते हैं, ओके। तो आपके लिए दोस्तों एक बहुत बढ़िया लॉजिक बताता हूं। 1900 का ऑप्शन बाई कर लीजिए, लेकिन आपका रिस्क एक कंप्लीट रहेगा। बट अगर मार्केट ने मूवमेंट दिया शानदार, राइट, तो आपको प्रॉफिट बहुत मिल जाएगा। अगर मान लो 3-4% का मूवमेंट आ गया, तो आने वाले दिनों में आपको 30,000, 40,000, 50,000, ये जितना मूवमेंट आ जाए, जैसे मैं टारगेट रखा हूं कि मूवमेंट आ जाए तो 60,000 का ही प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन ये हाईली रिस्क ट्रेडर के लिए है, हाईली रिस्की ट्रेडर के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रॉबिलिटी बहुत कम है। देख रहे हो 31% की प्रॉबिलिटी दिखा रहा है, ओके। तो थोड़ा प्रॉबिलिटी इसमें कम हो जाता है, मैं इसे कम चॉइस करता हूँ, मुझे इधर वाले में चॉइस ज़्यादा है, ओके। तो आप चॉइस करिए, आप चूज करिए कौन सा पोजीशन बनाना चाहिए आप लोगों को। मुझे जितने इसमें बन सकता था मैंने चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा और आपके लर्निंग को काफ़ी इंक्रीज करने में मदद मिला होगा मेरे वीडियो से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इन्हीं उम्मीद के साथ कि हमें अच्छा प्रॉफिट देके जा सकता है, वीडियो कहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए, कमाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।